हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247 में। दिस इज हनीफ एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अ वेरी फेमस पोम दैट इज द डिफेंस ऑफ लखनऊ बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। तो आज के क्वेश्चंस हमारे इसी पोम पर बेस्ड होंगे। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर डी ट्रिपल एस बी टी जी टी देन दिस वीडियो इज गोइंग टू बी फ्रूटफुल फॉर यू। या आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसके सिलेबस में इस पोम को इंक्लूड किया गया है, तो फिर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होने वाली है। इससे पहले हमने कई सारी वीडियोस को डिस्कस किया है। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से वॉच कर सकते हैं। यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहें तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी एग्जाम की कंप्लीट नोट्स के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। तो हमारी पोम है द डिफेंस ऑफ लखनऊ, जिसको लिखा गया अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा। ये जो पोम है इसमें घटना को डिस्क्राइब किया गया है जो कि 1857 में हुआ था। तो जो 1857 का रिवोल्ट है जिसमें लखनऊ को सीज कर लिया गया था, इसको घेर लिया गया था, और इसमें जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे उनको बहुत ज़्यादा ट्रेजिक लॉस हुआ था, ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा था। और ये जो लखनऊ था टोटल सीज किया गया था 87 डेज़ के लिए। उसके बाद में इसको रिलीव किया गया था 16 नवंबर को। और जब इसको रिलीव किया गया था तो ये जनरल कैंपबेल के अंडर में से रिलीव किया गया था। तो ये कुछ इसका बैकग्राउंड है। अब हम शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस को। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द डिफेंस ऑफ लखनऊ, आपको बताना है कि जो पोम है द डिफेंस ऑफ लखनऊ इसको किसके द्वारा लिखा गया है। फर्स्ट का हमारा सही आंसर है बी, यानी कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड, व्हाट हिस्टोरिकल इवेंट इज द डिफेंस ऑफ लखनऊ बेस्ड ऑन। ये जो द डिफेंस ऑफ लखनऊ पोम है ये किस हिस्टोरिकल इवेंट पर बेस्ड है। तो सेकेंड का हमारा सही आंसर है सी, द इंडियन रेबेलियन ऑफ 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, हाउ मेनी डेज डिड द सीज ऑफ लखनऊ लास्ट अकॉर्डिंग टू द पोम। इस पोम के अनुसार आपको बताना है कि जो लखनऊ की घेराबंदी थी, लखनऊ को जो सीज किया गया था, वो कितने दिनों तक के चला था। तो थर्ड का हमारा सही आंसर होता है सी, 87 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, हु लेड द रिलीफ फोर्सेस दैट एंडेड द सीज। आपको ये बताना है कि जो रिलीफ फोर्सेस थी उसको कौन लीड किया था जिसकी वजह से जो सीज था, घेराबंदी था, वो एंड हुआ था। तो फोर्थ का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि जनरल कैंपबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ, व्हाट सिंबल ऑफ ब्रिटिश रेजिलियंस फ्लू थ्रू आउट द सीज एज मेंशन्ड इन द पोम। तो आपको ये बताना है कि जो ब्रिटिश रेजिलियंस थी उसने कौन से सिंबल को फहराया था घेराबंदी के दौरान। तो रेजिलियंस की मीनिंग होती है दृढ़ता, तो कौन से सिंबल को फहराया था अपनी दृढ़ता के रूप में। तो फिफ्थ का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि अ बैनर ऑफ इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स, हु वॉज द ब्रिटिश लीडर मैंशन एज इंस्ट्रक्टिंग सोल्जर टू डाई एट देयर पोस्ट रादर देन सरेंडर। ये कहना चाहते हैं कौन सा ब्रिटिश का लीडर था इसमें मैंशन किया गया है जिसने सोल्जर्स को इंस्ट्रक्ट किया था कि उनको अपने जगह पर मर जाना अच्छा है, इसकी कंपेरिजन में कि सरेंडर करना, यानी कि उन्हें सरेंडर नहीं करना चाहिए, मर जाना अच्छा है, ये किसने कहा था। तो सिक्स का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि सर हेनरी लॉरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेवंथ, व्हाट वर द ब्रिटिश डिफेंडर्स कॉन्स्टेंटली सब्जेक्टेड टू इन द रेजिडेंसी। ये कहना चाहते हैं कि जो ब्रिटिश डिफेंडर्स थे तो ये रेजिडेंसी में किस चीज के लिए जो है कॉन्स्टेंटली सब्जेक्टेड थे। तो सेवंथ का जो हमारा सही आंसर होता है वो सी होगा, यानी कैनन एंड राइफल फायर्स, यानी कि ये जो लोग थे ये इस चीज़ का प्रयोग कर रहे थे, कैनन को और राइफल फायर्स का। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट, इन एडिशन टू सोल्जर्स हु एल्स वर पार्ट ऑफ द रेजिडेंसीज डिफेंस। ये कहना चाहते हैं सोल्जर्स के अलावा कौन से लोग जो थे रेजिडेंसी के डिफेंस के पार्ट थे। तो एट का हमारा जो सही आंसर होता है वो सी होगा, विमेन एंड चिल्ड्रेन, ये भी उसके पार्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाइन्थ, द डिफेंडर्स हैड टू काउंटर व्हाट टाइप ऑफ अंडरग्राउंड थ्रेट्स। ये कहना चाहते हैं डिफेंडर्स यानी कि जो सोल्जर्स थे, डिफेंडर्स थे, उनको सामना करना था किस प्रकार का जो अंडरग्राउंड थ्रेट था, खतरा था उससे।
तो 9 का हमारा सही आंसर होता है टनल्स एंड माइंस, यानी कि टनल्स का भी सामना करना था और माइंस, माइंस की मीनिंग होती है यानी कि बारूदी सुरंगों का भी सामना करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th, 12th, 10th, व्हाट वाज द नेशनलिटी ऑफ सोल्जर्स हु प्लेड अ रोल इन द फाइनल रिलीफ। फाइनल रिलीफ में जिन सोल्जर्स ने रोल प्ले किया था उनकी नेशनलिटी क्या थी आपको बताना है। तो 10 का हमारा सही आंसर होता है स्कॉटिश हाईलैंडर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th, विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एसोसिएटेड विद द हाईलैंडर्स इज मेंशन्ड इन द पोम। ये कहना चाहते हैं कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि हाईलैंडर्स से संबंधित है इस पोम में मेंशन किया गया है। तो 11 का हमारा सही आंसर होता है सी पिप रोच या बैग पाइप्स। ये जो है एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसको प्ले किया जाता है डेथ या फिर वार के मौके पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12, व्हाट फ्रेज इज यूज इन द पोम टू डिस्क्राइब हाउ ब्रिटिश डिफेंडर्स वर स्ट्रॉन्ग विद द स्ट्रेंथ ऑफ रेस। ये कहना चाहते हैं कौन से फ्रेज का प्रयोग किया गया है ब्रिटिश डिफेंडर्स को डिस्क्राइब करने के लिए कि वो लोग अपने रेस, अपनी नस्ल के स्ट्रेंथ के साथ साथ अपने आप को स्ट्रॉन्ग महसूस कर रहे थे। तो 12 का हमारा सही आंसर होता है सी यानी रेजिलियंस एंड इंड्योरेंस। रेजिलियंस माने होता है दृढ़ता, इंड्योरेंस माने होता है साबित कदम रहना, डटे रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13, व्हाट हेल्प्ड कीप अप द स्पिरिट्स ऑफ द डिफेंडर्स अमिड्स डेथ एंड हार्डशिप। ये कहना चाहते हैं कि मौत और मुश्किलात के दौरान कौन सी चीज थी जिसने डिफेंडर के आत्मा को प्रोत्साहित कर रखा। तो 13 का जो हमारा सही आंसर होता है वो ए होगा, द ब्रिटिश फ्लैग फ्लाइंग हाई। ब्रिटिश का जो फ्लैग था वो फ्लाई कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14th, व्हाट ट्रेजिक इम्पैक्ट डिड द सीज हैव ऑन डिफेंडर्स हेल्थ। कौन सा एक ट्रेजिक इम्पैक्ट है, एक ट्रेजिक प्रभाव है जो पड़ा था डिफेंडर्स के हेल्थ के ऊपर सीज के कारण। तो 14 का हमारा सही आंसर होता है सी यानी कॉलरा, स्कर्वी और फीवर, ये सारी बीमारी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15th, व्हाट डिड द डिफेंडर्स डू टू प्रिवेंट कैप्चर बाय रिवल्स इफ देवर ओवररन। ये कहना चाहते हैं कि डिफेंडर्स ने क्या किया कैप्चर को रोकने के लिए, अगर रिवल्स के द्वारा उनको उन पर कंट्रोल कर लिया जाता है तो उन लोगों ने क्या सोचा था कि कैप्चर से बचने के लिए क्या किया। तो 15 का हमारा सही आंसर होता है सी, देवर प्रिपेयर टू डाई रादर देन टू बी कैप्चर्ड। वो लोग इस चीज़ के लिए रेडी थे कि वो मर जाएंगे लेकिन कैप्चर नहीं होंगे। सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16, हु डिड द डिफेंडर्स थैंक फॉर फाइटिंग अलोंग साइड देम डिस्पाइट डिफिकल्ट कंडीशंस। ये कहना चाहते जो डिफेंडर्स थे वो किसको थैंक्स बोल रहे थे फाइट करने के लिए अपने साथ डिफिकल्ट कंडीशन के बावजूद, यानी कि वो सारे लोग थे इस डिफिकल्ट कंडीशन के बावजूद भी इन डिफेंडर्स के साथ फाइट कर रहे थे, तो उसको किस चीज़ के लिए वो थैंक्स कर रहे थे। तो वो कौन से लोग जो थे जो इनके साथ डिफेंडर्स के साथ फाइट कर रहे थे। तो 16 का हमारा सही आंसर होता है इंडियन अलाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17, अकॉर्डिंग टू टेनिसन व्हाट इज मोर लाइकली टू बी फॉरगेटन बाय अदर्स ओवर टाइम। टेनिसन के अनुसार कौन सी चीज़ है जो पॉसिबल है कि लोगों के द्वारा समय के साथ साथ भुला दिया जाएगा। 17 का हमारा सही आंसर होता है बी यानी द सफरिंग इंड्योर्ड, वो जो सफरिंग है पेन है जो लोगों ने सहन किया है वो समय के साथ साथ भूल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18th, व्हाट इज द रिपीटेड फ्रेज टेनिसन यूजेस टू इम्फेसाइज ब्रिटिश रेजिलियंस। ब्रिटिश रेजिलियंस को इम्फेसाइज करने के लिए कौन सा रिपीटेड फ्रेज है जिसको टेनिसन ने यूज किया है। तो 18 का हमारा सही आंसर होता है सी यानी कि अवर बैनर ऑफ इंग्लैंड बिलो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19th, व्हाट डिड द डिफेंडर्स हैव टू डू नाइटली एज पार्ट ऑफ देयर डिफेंस। ये कहना चाहते हैं डिफेंडर्स को क्या करना था रात के समय अपने डिफेंस के एक पार्ट के रूप में। तो 19 का हमारा सही आंसर होता है बी यानी कंडक्ट बरियल्स विदाउट कॉफिन्स, यानी लोगों को दफनाना था बगैर ताबूत के, बगैर कॉफिन्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20th, व्हाट डिफेंसिव टैक्टिक वॉज यूज बाय द ब्रिटिश डिफेंडर्स टू रिपल अटैकर्स। अटैकर्स को रोकने के लिए कौन सा डिफेंसिव चाल था जो यूज किया गया ब्रिटिश डिफेंडर्स के द्वारा। तो 20 का हमारा सही आंसर होता है बी यानी हैंड ग्रेनेड्स।
हैंड ग्रेनेड्स यानी कि जो हाथ वाले बम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21, द डिफेंडर्स रिसीव्ड सपोर्ट फ्रॉम विच यूरोपियन रेजिमेंट, डिफेंडर्स को सपोर्ट मिला था कौन से यूरोपियन रेजिमेंट से, तो 21 का हमारा सही आंसर होता है सी, स्कॉटिश हाईलैंडर से, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22, व्हाट वाज द वेदर लाइक इन लखनऊ ड्यूरिंग द सीज एज मेंशन्ड इन द पोम, आपको बताना है कि जो है सीज के दौरान, घेराबंदी के दौरान लखनऊ में वेदर कैसा था, तो 22 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी एक्सट्रीमली हॉट एंड टोरेंशियल, हॉट यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी थी और बहुत तेज बारिश हो रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23, व्हाट इमोशनल हार्डशिप डिड विमेन एंड चिल्ड्रेन एंड्योर ड्यूरिंग द सीज, घेराबंदी के दौरान कौन सी मुश्किलात थी, इमोशनल मुश्किलात थी जिसका सामना किया औरतों ने और बच्चों ने, तो 23 का हमारा सही आंसर होता है बी, डिजीज एंड डेथ अराउंड देम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24, हाउ डिड द डिफेंडर्स फील अबाउट द हाईलैंडर्स अराइवल, हाईलैंडर्स के अराइवल के बारे में किस तरह से महसूस किया डिफेंडर्स ने, तो 24 का हमारा सही आंसर होता है जॉय एंड रिलीफ, खुशी और रिलीफ महसूस किया जब उन्होंने देखा कि हाईलैंडर्स उनका सपोर्ट करने के लिए आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25, हु ऑर्डर्ड द ब्रिटिश सोल्जर्स टू डाई एट देयर पोस्ट इफ द रेजिडेंसी वॉज ओवरटेकन, किसने ऑर्डर किया था ब्रिटिश सोल्जर्स को कि उनको अपने जगह पे मर जाना है जब रेजिडेंसी को ओवरटेक कर लिया जाएगा, कब्जा कर लिया जाएगा, 25 का हमारा सही आंसर होता है सी, हेनरी लॉरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26, व्हाई डिड द डिफेंडर्स एक्सपीरियंस ट्रायल एंड इनएफेबल वेरीनेस, ये कहना चाहते हैं कि जो डिफेंडर्स थे उन लोगों ने क्यों एक्सपीरियंस किया, महसूस किया बहुत ज़्यादा मेहनत और आवरण लिए थकान, ऐसी थकान जिसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, तो 26 का हमारा सही आंसर होता है सी, दे हैड टू बी सोल्जर्स एंड सेंटिनल कॉन्स्टेंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27, विच स्पेसिफिक लोकेशन इन लखनऊ डज टेनिसन रेफरेंस फॉर ब्रिटिश डिफेंस, ब्रिटिश डिफेंस के लिए अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने कौन सा स्पेसिफिक लोकेशन का रेफरेंस दिया है लखनऊ में, तो 27 का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी द रेजिडेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28, व्हाट साउंड सिग्नल द रिलीफ ऑफ फोर्सेस अराइवल अकॉर्डिंग टू द पोम, पोम के अनुसार कौन सा साउंड है जिसने सिग्नल दिया था कि रिलीफ फोर्स अराइव हो चुकी है, पहुंच चुकी है, तो 28 का हमारा सही आंसर होता है सी, बैग पाइप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29, व्हाट डिड द ब्रिटिश डिफेंडर्स फियर इफ दे वर डिफीटेड, ब्रिटिश डिफेंडर को किस चीज़ का डर था अगर वो लोग डिफीट हुए तो, 29 का हमारा सही आंसर होता है सरेंडरिंग टू द रेबल्स, उनको रेबल्स को सरेंडर करना पड़ेगा, उनके हवाले करना पड़ेगा अपने आप को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30, व्हाट वाज अ मेजर सोर्स ऑफ डिस्ट्रेस ड्यूरिंग द सीज बिसाइड्स फाइटिंग, फाइटिंग के अतिरिक्त कौन सा मुख्य तकलीफ का सोर्स था, स्रोत था सीज के दौरान, तो 30 का हमारा सही आंसर होता है बी, इंसेक्ट्स इन्फेस्टेशन यानी कि कीड़ों का आक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31 विच इज द लास्ट क्वेश्चन, हाउ डिड टेनिसन डिस्क्राइब द इंडियन अलाइज हु फॉट अलोंग साइड द ब्रिटिश, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने इंडियन सहयोगियों को किस तरह से डिस्क्राइब किया है जिन्होंने ब्रिटिश के साथ साथ में फाइट किया था, तो 31 का हमारा सही आंसर होता है ए, लॉयल एंड फेथफुल। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चन, हमें उम्मीद है आपको जरूर समझ आए होंगे, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।